हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट यूनिट पोलराइजेशन एंड द टॉपिक टुडे वी विल डिस्कस इज द पोलराइजेशन. सो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन एज यू हैव लर्न दीज फिनोमेना. सो दीज फिनोमेना प्रूव दैट लाइट इज अ वेव मोशन. लाइट has a wave motion and it enabled the determination of the wavelength. जैसे कि आपने interference and diffraction जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था, इसमें आपने देखा कि ये दोनों जो phenomena है, interference और diffraction, ये prove करती हैं कि light जो है वो wave motion करता है, ठीक है? And light की जो wave nature है उसको ये prove करती है interference and diffraction phenomena. ठीक है, एंड इस वजह से हम जो वेव लेंथ है लाइट की वो भी डिटरमाइन कर सकते हैं. बट इनकी जो ये जो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन फिनोमेना है, ये वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को, लाइट वेव की कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब नहीं करती. लाइट वेव की कैरेक्टरिस्टिक मतलब जैसे कि लाइट वेव्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल हैं या ट्रांसवर्स हैं. अभी मैं बताऊंगी आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है, ठीक है? तो ये डिस्क्राइब नहीं करती कि लाइट वेव्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं या ट्रांसवर्स वेव्स हैं. ओके, तो ये केवल ये फिनोमेना जो है केवल और केवल ये प्रूफ करती हैं कि जो लाइट है वो वेव नेचर की होती है, ठीक है? सो इन 1816 एरागो एंड फ्रेजनल शोड दैट लाइट वेव्स वाइब्रेटिंग इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स डू नॉट इंटरफेयर. 1816 में एरेगो एंड फ्रेजनल जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये शो किया कि जो लाइट वेव्स हैं वो जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में वाइब्रेट कर रहे हैं, लाइट वेव्स जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में, यानी कि एक लाइट वेव अगर इस प्लेन में है तो दूसरी लाइट वेव जो है वो उसकी म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में जो है वो वाइब्रेट कर रही है, तो ये दोनों जो लाइट वेव्स हैं वो आपस में इंटरफेयर नहीं करते, ठीक है? ओके, तो अभी तक हमने इंटरफेरेंस पैटर्न, जब इंटरफेरेंस फिनोमेना पढ़ी तो उसमें हमने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा कि वेव्स जो है वो वाइब्रेट कर रही हैं, किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने नहीं पढ़ी, इसलिए वहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है इसको भी हमने नहीं सोचा. बट यहाँ पर जो लाइट वेव्स, जब हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वेव्स की वो जैसे कि वाइब्रेट कर रही है वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो है वो लाइट वेव ट्रेवल कर रही है, ये हमने पढ़ा ही नहीं. तो फिर हमने उसके बाद ये भी नहीं पढ़ा कि जो वो लाइट वेव्स हैं वो आपस में इंटरफेयर करती हैं कि नहीं. ओके, तो हमने यहाँ पर ये 1816 में दोनों साइंटिस्ट ने ये शो किया कि जो लाइट वेव्स हैं जो कि परपेंडिकुलर प्लेन्स में है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में है, तो वो जो है एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करती है, ठीक है? एंड इन 1817 थॉमस यंग ने पोस्टुलेट किया इन 1817 में, कुछ पोस्टुलेशन दिए उसने. पोस्टुलेट क्या थे? दैट लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स एंड एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस बिटवीन लाइट वेव्स पोलराइज इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स. तो 1817 में जो थॉमस यंग थे, इन्होंने पोस्टुलेट किया कि लाइट वेव्स जो हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, ठीक है? दीज आर दी ट्रांसवर्स वेव्स. एंड अभी हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में, तो आप वहाँ पर देख लेंगे कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं. एंड ही एक्सप्लेन दैट द एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस बिटवीन लाइट वेव्स पोलराइज इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स. ओके, कि जो इंटरफेरेंस एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस बिटवीन लाइट वेव्स पोलराइज इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जो लाइट वेव्स जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में पोलराइज हैं उनके बीच में इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है? तो इसको उसने एक्सप्लेन किया. सो दस द एग्जिस्टेंस ऑफ पोलराइजेशन प्रॉपर्टी इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लाइट बींग अ ट्रांसवर्स वेव. इसलिए जो अगर पोलराइजेशन प्रॉपर्टी है किसी लाइट वेव में, अगर पोलराइजेशन प्रॉपर्टी है तो वो किस चीज़ का कॉन्सिक्वेंस है?
उसका मतलब ये है कि लाइट जो है वो एक ट्रांसवर्स वेव है. ओके, एंड वी नो दैट लाइट कमिंग फ्रॉम कॉमन सोर्सेस, कॉमन सोर्स से हमें पता है लाइट आती है, बट वो किस तरीके की होती है, वो अनपोलराइज्ड होती है. ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे अनपोलराइज्ड लाइट क्या है. सो अभी वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे. सो आप ये देख लो कि जो भी कॉमन सोर्सेज होते हैं लाइट के, कॉमन लाइट सोर्सेज जो होते हैं जिससे कि हमें लाइट मिलती है, तो वो जो लाइट होती है वो अनपोलराइज, जैसे सन लाइट है तो वो अनपोलराइज्ड लाइट है. ओके, या नेचुरल लाइट आप कह सकते हो, अनपोलराइज्ड लाइट है. ओके, सो यूजिंग ऑप्टिकल डिवाइसेस, जब ये अनपोलराइज लाइट है, जो लाइट हमें कॉमन लाइट सोर्सेज से मिल रही हैं, अगर ये अनपोलराइज लाइट है तो ये पोलराइज कैसे होंगी, तो इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन यूजिंग द ऑप्टिकल डिवाइसेस. तो कुछ ऑप्टिकल डिवाइसेज या ऑप्टिकल एलिमेंट्स का यूज़ करके हम अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. ओके, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पोलराइजेशन में हम चेंज कर सकते हैं. सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोलराइजेशन, ये जो पोलराइजेशन हम पढ़ रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं, पोलराइजेशन का क्या यूज़ है. सो इट इज़ इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द पोलराइजेशन. वाई? बिकॉज टू अंडरस्टैंड द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गाइडेड थ्रू वेव गाइड्स एंड ऑप्टिकल फाइबर्स. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि वेव गाइड्स और ऑप्टिकल फाइबर्स से गाइडेड होती हैं, ठीक है, उनके थ्रू जो है वो मतलब कि पास की जाती हैं, ठीक है, तो उनका नेचर समझने के लिए, उनका प्रोपोगेशन समझने के लिए हमें पोलराइजेशन जो है पढ़ना पड़ता है. ठीक है, या पोलराइजेशन को पहले हमें समझना पड़ेगा. ओके, सो एप्लीकेशंस जो हैं वो पोलराइजेशन की वो क्या हैं, जैसे कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इज इन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज, यानी कि LCDs. और ये LCDs जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इट इज़ वाइडली यूज इन रिस्ट वॉचेस, कैलकुलेटर्स एंड टीवी स्क्रीन्स एटसेट्रा. ओके, सो इसलिए हमें पोलराइजेशन पढ़ने की, ये पोलराइजेशन समझने की नीड है. ठीक है, सो इससे पहले अब हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन से पहले, जो पोलराइजेशन है, अनपोलराइज लाइट क्या होती है, पोलराइज लाइट क्या होती है, तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं कि हम लाइट को कह रहे हैं ट्रांसवर्स नेचर की होती है. ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं और इनका क्या रोल है पोलराइजेशन में, वो देखेंगे. सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं वो आपने पढ़ा भी है, वेव्स एंड ऑसिलेशंस में आपने पढ़ा होगा. सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, वैसे हमें पता है कि जो वेव्स होती हैं वो टू टाइप्स की होती है, फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड सेकेंड इज ट्रांसवर्स वेव. ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट टू एंड फ्रो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. यानी कि अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये है, इस ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव मतलब वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है. वेव देखो, सपोज ये डायरेक्शन है हमारी जेड डायरेक्शन, ठीक है, तो वेव कैसे ट्रेवल करेगी, जेड डायरेक्शन में. ओके, तो हम कहेंगे कि जो वेव की जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो क्या है, जेड. ठीक है, तो अब आप देखो इसमें कि अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, मीडियम के जो पार्टिकल हैं, जो मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं उसके जो पार्टिकल हैं वो ऑसिलेट करें टू एंड फ्रो अलॉन्ग द डायरेक्शन. ये डायरेक्शन है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये है. ठीक है, इसके टू एंड फ्रो यानी कि इसके ही अबाउट. ठीक है, अगर पार्टिकल्स जो है मीडियम के वो इसके अबाउट जो है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के अबाउट क्या करें, यहाँ से पहले इधर गए, फिर इधर गए, ऐसे अगर पार्टिकल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो तब हम ऐसी वेव को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव. ओके, जैसे कि वेव प्रोड्यूस्ड, इसकी एग्जांपल है वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग. तो आप देख सकते हो ये है जैसे स्प्रिंग. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कहीं पर आपको दिख रहा होगा, आपने देखा होगा स्प्रिंग को अगर हम खींचते हैं, स्प्रिंग जो है यहाँ पर क्या है, मीडियम. ठीक है, तो स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स, हम बोलेंगे कि स्प्रिंग के पार्टिकल्स जो हैं वो टू एंड फ्रो जो हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं
इन द डायरेक्शन ऑफ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव. जो उसमें हम जब स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो उसमें एक वेव जनरेट होती है, तो वो वेव जो जनरेट होती है, ये वेव जनरेट हो रही है वो, ठीक है. तो जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के, यानी कि स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं, वो किस तरीके से जो है वो मोशन कर रहे हैं, वो देखेंगे आप कि यहाँ पर तो जो स्प्रिंग है वो आपको घनी घनी नज़र आएगी, और यहाँ पर जो है वो दूर दूर नज़र आएगी, फिर यहाँ पर घनी घनी नज़र आती है, यहाँ पर दूर दूर नज़र आती है. तो ये जो घना घना वाला एरिया है इसको हम कहते हैं कंप्रेशन, और इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन, जो खुला खुला एरिया है, ठीक है. तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन, एक्सपेंशन किस वजह से हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में, कभी इधर मूव कर रहे हैं तो कभी इधर मूव कर रहे हैं, कभी इधर मूव कर रहे हैं तो कभी इधर, लेकिन कर इसी डायरेक्शन में रहेंगे तो, ठीक है. इस वजह से जो है ये कभी तो आस पास पास आ जाते हैं और कभी ये दूर दूर चले जाते हैं, ठीक है. तो इनको हम कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है. और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं लैम्डा, वेवलेंथ, ओके. तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट कंप्रेशंस एंड रेयर फैक्शंस. इनको एक्सपेंशन को हम रेयर फैक्शंस भी कहते हैं, ठीक है. तो रेयर फैक्शन, अल्टरनेट कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, या फिर रेयर फैक्शन से मिलकर के बनी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव. लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो दूसरा एग्जाम्पल है साउंड वेव्स भी है. साउंड वेव्स में भी आपने पढ़ा होगा कि कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फैक्शन, ठीक है. तो इस तरीके से जो वेव है वो बनी होती है, ठीक. तो ये आपकी है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है. अब दूसरा जो है आपने पहले भी पढ़ा होगा और अभी भी मैं बता ही रही हूँ आपको, तो दूसरा है ट्रांसवर्स वेव. तो ट्रांसवर्स वेव जो है वो क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव है जिसमें कि वेव जो है, ऐसी वेव है जिसमें कि प्रत्येक पार्टिकल जो है मीडियम का वो ऑसिलेट करता है, बट अप टू एंड फ्रो डायरेक्शन में नहीं है, अब है अप एंड डाउन डायरेक्शन, अप एंड डाउन डायरेक्शन, ठीक है. अब पार्टिकल्स जो है वो वेव प्रपोगेशन, वेव प्रपोगेशन सपोज इस डायरेक्शन में है, ये जो एरो से शो किया हुआ, ठीक है. तो जो पार्टिकल्स होंगे मीडियम के वो ऐसे मोशन करेंगे अप एंड डाउन डायरेक्शन में, अप एंड डाउन डायरेक्शन में, अप एंड डाउन डायरेक्शन में, ओके. सो अप एंड डाउन डायरेक्शन में जो है वो मीडियम, पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है वो ऑसिलेट करेंगे, ठीक है. तो यहीं पे लिखा हुआ है एवरी पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेट्स अप एंड डाउन एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन. हाँ, एक चीज़ और है कि राइट एंगल्स भी, यानी कि जो वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलरली ये मोशन करेंगे. उसके परपेंडिकुलर एक तो अप हो गया, एक डाउन हो गया, इसका मतलब कि ये क्या है, 90 डिग्री के एंगल पे जो है वो इस डायरेक्शन से 90 डिग्री के एंगल पे क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, ठीक है. इसका एग्जांपल है रिपल्स ऑन वाटर सरफेस. वाटर के सरफेस पे जो रिपल बनते हैं, ठीक है, और वेव्स ऑन अ रोप, रोप जो रस्सी को जब आप एक एंड से दूसरे एंड, एक एंड भी उसका तनाव हुआ हो, दूसरे एंड से आप अगर उसको उसको जो है फोर्स लगाते हो, ठीक है, तो आप देखते हो उसमें कि वेव जो बनती है, उस वेव में वो वेव जो है वो किस वजह से बनती है, उस रस्सी के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के क्या होते हैं, परपेंडिकुलरली क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं. इस वजह से जो है वहाँ रस्सी में एक इस तरीके की वेव बनती है, ठीक है. सो दिस इज द ट्रांसवर्स वेव, ओके. और यहाँ पर जो वेव्स प्रोपोगेट करती है, जैसे कि हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव में देखा, वहाँ पर हमने देखा रेयरफैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन. तो ट्रांसवर्स वेव में जो होता है वो कंसिस्ट होती है, यानी कि मिलकर के बनी होती है अल्टरनेट क्रेस्ट्स, अल्टरनेट crests and troughs, okay, crest and trough से मिलकर के बनती है, crest फिर trough, फिर crest फिर trough, फिर crest फिर trough. दो crest के बीच की दूरी lambda होती है wavelength, ठीक है, and दो या फिर दो trough के बीच की दूरी lambda wavelength, okay. So in longitudinal wave or directions perpendicular to the wave propagations are equivalent, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है आपकी, लॉन्गिट्यूडनल वेव ये, यहाँ पर हम देखते हैं कि डायरेक्शंस, ऑल डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू द वेव, वेव प्रोपोगेशन,
जितनी भी डायरेक्शन है जो परपेंडिकुलर है वेव प्रोपोगेशन के, ये सब जो है ये इक्विवेलेंट है, ठीक है। जबकि आप देखेंगे, क्योंकि इसमें इस वाली डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं, इसमें हमें हमारी ये वाली डायरेक्शन का है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में ये डायरेक्शन, ठीक है, जो अलोंग दी प्रोपोगेशन ऑफ वेव हो, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। एंड ऑन द अदर हैंड, अ प्रेफरेंशियल डायरेक्शन नॉर्मल टू द वेव प्रोपोगेशन एग्जिस्ट इन अ ट्रांसवर्स वेव। जो ट्रांसवर्स वेव है उसमें हम एक प्रेफरेंशियल डायरेक्शन लेते हैं जो कि वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के नॉर्मल होती है, ठीक है। सो प्रेफरेंशियल डायरेक्शन इन अ ट्रांसवर्स वेव इज द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। तो जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसमें जो प्रेफरेंशियल डायरेक्शन होती है, ट्रांसवर्स वेव में, वही जो है कहलाती है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। जैसे कि आप रस्सी में देख सकते हो एग्जांपल के तौर पे, प्रेफरेंशियल डायरेक्शन यानी कि इसमें जो वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होती है उसके परपेंडिकुलर जो मीडियम है, मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो हम इसको कहेंगे डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। सो इट डिफर्स फ्रॉम ऑल अदर डायरेक्शन से जो ये अलग होती है, ओके। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रेफरेंशियल डायरेक्शन फॉर अ ट्रांसवर्स वेव, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रेफरेंशियल डायरेक्शन हम बोल रहे हैं ट्रांसवर्स वेव में, कि उसी डायरेक्शन में जो है वो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो वो प्रेफरेंशियल डायरेक्शन की एग्जिस्टेंस की वजह से ही ट्रांसवर्स वेव में एक कैरेक्टरिस्टिक फिनोमना आता है एग्जिस्टेंस में, उसको हम कहते हैं पोलराइजेशन, ओके। सो एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रेफरेंशियल डायरेक्शन फॉर अ ट्रांसवर्स वेव लीड्स टू द कैरेक्टरिस्टिक फिनोमना नोन एज पोलराइजेशन, तो इसको हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन, जो कि एग्जिस्टेंस है एक प्रेफरेंशियल डायरेक्शन फॉर अ ट्रांसवर्स वेव का, ठीक है, ओके। सो पोलराइजेशन हम कह सकते हैं कि पोलराइजेशन इज नॉट फाउंड विद लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इसलिए पोलराइजेशन इज नॉट फाउंड इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, पोलराइजेशन का जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बिकॉज जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं दे डू नॉट पजेस अ डायरेक्शनल प्रोपोगेशन को वो पजेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए क्योंकि डायरेक्शनल प्रोपोगेशन को कौन पजेस्ट करता है, केवल ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव में ही डायरेक्शनल प्रोपोगेशन या डायरेक्शनल वाइब्रेशन जो होता है वो होता है, इसलिए केवल इसका जो पोलराइजेशन का है लॉन्गिट्यूडनल वेव से कोई लेना देना नहीं है। ओके, सो लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं, एक चीज और है कि पोलराइजेशन इज स्पेसिफिक टू ट्रांसवर्स वेव्स, ये भी कह सकते हैं हम कि पोलराइजेशन इज स्पेसिफिक टू ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। सो लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक and magnetic field vibrating perpendicular to each other and to the direction of propagation. हमें पता है light waves जो होती हैं वो transverse होती हैं nature में, क्योंकि electric और magnetic field जो होते हैं उसमें वो vibrate करते हैं perpendicular to each other and perpendicular to the direction of propagation. अगर direction of propagation जो है wave की वो z direction है, तो electric field जो है वो अगर x direction में होगा तो magnetic field जो है वो y direction में होगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो हैं वो क्या है, आपस में भी परपेंडिकुलर हैं, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन यानी कि जेड डायरेक्शन के भी क्या है, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। सो वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव कॉन्स्टिट्यूट अ प्लेन, ठीक है। वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ये जो फिगर है, इस फिगर में केवल आप अभी केवल ये देखो कि ये जो के दिखा रखा है आपको, ये तो है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन,
डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन देखो इस डायरेक्शन में, ठीक है, और जो ई फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है, वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, वो इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, ये वो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, ओके। तो ये दोनों मिलकर के एक प्लेन बनाते हैं, ये वाला प्लेन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो ऑसिलेट कर रहा है या वाइब्रेट कर रहा है केवल इस प्लेन में, इस प्लेन के ही अंदर ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा, इस प्लेन से बाहर नहीं करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव कॉन्स्टिट्यूट अ प्लेन। सो देयर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच प्लेन्स अराउंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ऐसे कई प्लेन हो सकते हैं इस जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है इसके अराउंड, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, ये भी एक प्लेन हो सकता है, ओके। और प्लेन जो है वो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, प्लेन इस डायरेक्शन में हो गया और ऐसे भी हो सकता है, कुछ इस तरीके से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ जो प्लेन्स हैं वो कई तरीके से जो हैं वो परपेंडिकुलर हो सकते हैं किसके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की, ठीक है। सो अगर आप सामने से देखोगे इसको, यानी कि ये जो प्रोपोगेशन ऑफ डायरेक्शन है वो आउट ऑफ द पेज है, अगर सपोज ये आउट ऑफ द पेज है, तो आप जो आपको जो प्लेन्स दिखेंगे वो देखो ऐसे भी दिख सकता है, ठीक है, ऐसे भी दिख सकते हैं, ऐसे भी दिख सकते हैं, कई इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स होंगे ये इस तरीके से, ठीक है। तो कई तरीके से वो प्लेन हो सकते हैं। सो इन एन आइडियल लाइट वेव द वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर कन्फाइंड टू अ सिंगल प्लेन। आइडियल वेव, आइडियल लाइट वेव में जो वाइब्रेशंस होते हैं इलेक्ट्रिक वेक्टर के, उनको एक सिंगल प्लेन में ही कन्फाइंड होते हैं, ओके। सो इन प्रैक्टिस लाइट सोर्स इमिट अ मिक्सचर ऑफ लाइट। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लाइट सोर्स है वो एक मिक्सचर ऑफ लाइट को क्या करता है, इमिट करता है, हूज प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशंस आर रैंडमली ओरिएंटेड, जिसकी कि प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन है। जैसे कि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो हम इसको कहेंगे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। सपोज ये डायरेक्शन एक्स है और ये डायरेक्शन वाई है, जिसमें कि ये ई जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, तो ये प्लेन हो गया हमारे पास कौन सा, एक्स वाई प्लेन। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इस केस में क्या हो गया, एक्स वाई, ठीक है। ऐसे ही हम कह रहे हैं कि लाइट सोर्स इमिट अ मिक्सचर ऑफ लाइट वेव्स हूज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन आर रैंडमली ओरिएंटेड। तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, आप समझ गए होंगे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या है, जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो है वो रेंडमली ओरिएंटेड है, किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, अबाउट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आउट ऑफ द पेज लें, ठीक है, आउट ऑफ द पेज लेंगे, तो जो ये अभी मैंने बताया था प्लेन जो होंगे, अगर ये आउट ऑफ द पेज लिया हमने प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तो जो प्लेन है वो रेंडमली ओरिएंटेड हो गई, इस तरीके से भी दिखेगा आपको प्लेन। देखो ऐसे भी दिख सकता है प्लेन, ऐसे भी दिख सकता है, ऐसे भी दिख सकता है, ऐसे भी दिख सकता है, तो रेंडमली ओरिएंटेड है, ठीक है, उस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये एक सिमेट्री को राइज करता है, सिमेट्री, जिसकी वजह से सिमेट्री आ जाती है इसमें, ठीक है। तो अगर इन सिमेट्रीज को हम रिमूव कर दें, ठीक है, और एक वन साइडेडनेस लाइट वेव में एक वन साइडेडनेस ले आए, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलराइजेशन। सो रिमूविंग द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द सिमेट्री एंड ब्रिंगिंग इन वन साइडेडनेस इन द लाइट वेव, यानी कि लाइट वेव जो है उनकी जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो रैंडम ओरिएशन में ना दिखे, वो हमें एक ही डायरेक्शन में दिखे, ठीक है। और सिमेट्री क्या, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सिमेट्री है ये हटानी पड़ेगी, ये सिमेट्री रिमूव करनी पड़ेगी, जो ऐसे सिमेट्री आ रही थी, तो केवल हमें जो है एक ही डायरेक्शन में दिखनी चाहिए लाइट वेव, चाहे वो ये डायरेक्शन हो, चाहे वो ये डायरेक्शन हो, जो भी हो, ठीक है। तो उसको रिमूव करना, उस सिमेट्री को रिमूव करना और वन साइडेडनेस ले आना लाइट वेव की, उसको हम कहते हैं पोलराइजेशन, ओके, ठीक। सो अब हम पढ़ेंगे अनपोलराइज्ड एंड पोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट क्या होती है।
तो लाइट वेव हमें पता है क्या होती है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है विच इज़ मेड अप ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने देखा कि लाइट वेव जो है उसमें जो है लाइट वेव जो है वो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो म्यूचुअली क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, हैं और वेव वेक्टर के या फिर प्रोपोगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक इसमें आप देख सकते हो ये वाला फिगर जो है, ये फिगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि लाइट वेव जो है ट्रांसवर्स इन नेचर है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप इस फिगर में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, आप देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में, ठीक है, वाई डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है वो किस में है, जेड डायरेक्शन में, ठीक है। और प्रोपोगेशन जो है लाइट की, यानी कि लाइट किस दिशा में जा रही है, ट्रेवल किस दिशा में कर रही है, वो कर रही है एक्स दिशा में, एक्स डायरेक्शन में, ओके। तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल हैं और वो जो है वो लाइट वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के भी क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस प्लेन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा ये वाला प्लेन यानी कि एक्स वाई प्लेन में होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एक्स वाई प्लेन में होगा। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड जो है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरीके से वाइब्रेट करेगा, ऐसे, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे कर रहा है वाइब्रेट तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो प्लेन हो गया वो कौन सा हो गया, ये वाला, यानी कि एक्स जेड प्लेन। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्स जेड प्लेन में है और प्रोपोगेशन जो वेव की प्रोपोगेशन है किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, ओके। सो राइट एंड दिस राइट हैंड पार्ट अगर यहाँ देखोगे आप, वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस एज द वेव प्रोपोगेट्स, ये क्या शो कर रहा है, वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस एज द वेव प्रोपोगेट्स, जैसे जैसे वेव प्रोपोगेट कर रही है वैसे वैसे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पर इतना है, यहाँ पर थोड़ा कम है, यहाँ पर जो है इन्वर्ट हो गया, यहाँ पर मैक्सिमम हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर फिर इन्वर्ट हो गया, यहाँ पर मैक्सिमम हो गया, यहाँ पर कम हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे वेरिएशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में विद स्पेस, ठीक है, विद वेव प्रोपोगेशन, तो वो ये शो कर रहा है ये वाला डायग्राम, ठीक है। सो दिस इज शोइंग द वेरिएशन ऑफ ई फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस एज द वेव प्रोपोगेट्स। सो ट्रेडिशनली वी कैन से दैट लाइट वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई। तो हम कह सकते हैं जो ट्रेडिशनली हम ये कह सकते हैं कि लाइट वेव जो है वो इट इज डिस्क्राइब बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर, ठीक है। सो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज शोन इन दिस फिगर, इसलिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ही इसमें शो किया है, ठीक है। सो एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर, इट पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन स्पेस, आप देख सकते हो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है इसमें दिखाया गया है। द पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेफर्स टू द ओरिएंटेशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई। तो पोलराइजेशन अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पोलराइजेशन, तो उसका मतलब ये है, उसका मतलब सीधा सीधा क्या है, अगर हम कहीं पर भी बात कर रहे हैं कि पोलराइजेशन ऑफ ई एम वेव, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ओरिएंटेशन, कहीं पे भी आप पोलराइजेशन ऑफ ईएम वेव की जब बात आएगी तो वहाँ पर किसका ओरिएंटेशन देखते हैं हम, ओरिएंटेशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और कुछ नहीं देखना हमने, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में वेरिएशन देखना है। सो इफ वी कुड व्यू अ लाइट वेव कमिंग फ्रॉम एन ऑर्डिनरी सोर्स टूवर्ड्स अस, देन वी वुड observe that the direction of E is randomly varying with time on a very fast scale. अगर हम light wave को देखें, किसी ordinary source से आ रहा है light wave, और हम ये observe करेंगे कि direction जो है वो electric field की वो randomly क्या है, vary हो रही है और बहुत fast vary हो रही है, okay? जैसे कि light from an incandescent bulb देख लें अगर हम, for example, सो इट इमिट्स अ मिक्सचर ऑफ लाइट वेव्स,
ये क्या करती है, लाइट वेव्स का एक मिक्सचर हमें देती है विद इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स दैट चेंज रेंडमली ऑन अ स्केल ऑफ 10^-14 सेकेंड्स। कि ये जो है एक इनकैंडेसेंट बल्ब का एग्जांपल लिया हमने, जो कि मिक्सचर ऑफ लाइट वेव को इमिट करती है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स जो हैं वो रेंडमली चेंज हो रहे हैं, और किस स्केल पे चेंज हो रहे हैं, 10^-14 सेकेंड की रफ्तार से जो है ये चेंज हो रहे हैं, ठीक है। एंड इसकी वजह से हम कह सकते हैं एज अ रिजल्ट कि द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन एन ऑर्डिनरी लाइट, द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन एन ऑर्डिनरी लाइट बीम अकर्स इन ऑल द पॉसिबल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द बीम डायरेक्शन, ठीक है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो देखो ये भी है, ठीक है, और ये भी है। तो क्या हो रहा है इसमें, आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ऐसा था, ये डायरेक्शन थी, ठीक है, और फिर ये डायरेक्शन हुई, फिर ये डायरेक्शन हुई, फिर ये हुई डायरेक्शन, फिर ये डायरेक्शन हुई, फिर ये डायरेक्शन, फिर ये डायरेक्शन हुई, फिर ये हुई डायरेक्शन, फिर ये डायरेक्शन। तो ये सब जो है, ये जो मैंने दिखा रखे हैं अंदर एरो टाइप के, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हैं जो कि समय के साथ साथ क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, आप देखोगे इसमें, ठीक है। तो हम अगर हम स्क्रीन लगा लें यहाँ पर, तो हमें कैसी जो हमें प्लेन्स दिखेंगे वो कैसे दिखेंगे, ठीक है। तो ई वेक्टर ऑसिलेट्स हम देख सकते हैं, इसमें जो ई वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो एक प्लेन से कई अधिक प्लेनों में क्या कर रहा है, एक ही प्लेन, जैसे आप ये वाला देखो तो ये कौन सा प्लेन हुआ, ये वाला, ठीक है। तो क्या ये इसी प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, नहीं, आगे जा करके ये चेंज हो जा रहा है, ये इस प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, आगे जा करके ये ऐसे वाले प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, आगे जा करके ये ऐसे प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब ट्रैवल कर रही है, तो देख रहे हैं हम कि जो प्लेन्स हैं, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन जो प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन जो है वो चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। सो लाइट वेव इन विच ई वेक्टर ऑसिलेट्स इन मोर देन वन प्लेन, ऐसी लाइट वेव जिसमें कि ई वेक्टर जो है वो ऑसिलेट करें मोर देन वन प्लेन, एक प्लेन से अधिक प्लेनों में अगर लाइट वेव जो है वो ऑसिलेट करती है, तो ऐसी लाइट वेव को हम कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। ऐसी लाइट को हम कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। फॉर एग्जांपल द लाइट इमिटेड बाय सन इनकैंडेसेंट बल्ब और बाय अ कैंडल फ्लेम, ठीक है, कैंडल फ्लेम से निकलने वाली जो कैंडल फ्लेम है, इनकैंडेसेंट बल्ब से निकलने वाली जो लाइट है, या लाइट इमिटेड बाय सन, जितने भी नेचुरल सोर्सेज जो हैं ये, उनसे हमें अनपोलराइज्ड लाइट मिलती है। अनपोलराइज्ड लाइट देखने में तुम्हें ऐसे लगेगी जैसे स्क्रीन पे है ये, इस टाइप की। ये क्या शो कर रहा है कि ये कई प्लेन, एक प्रोपोगेशन ऑफ डायरेक्शन के अबाउट जो है कई प्लेन है जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। इस प्लेन में भी ऑसिलेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्लेन में भी, इस प्लेन में भी, इस प्लेन में भी, ठीक है। तो रैंडम डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक। ओके, बट तो ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है, जैसे कि हमने एग्जांपल देख लिया कि नेचुरल जो सोर्सेज हैं लाइट सोर्सेज, वो हमें अनपोलराइज्ड लाइट देते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट क्या है, जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक से अधिक प्लेनों में ऑसिलेट करता है, एक प्लेन में नहीं, कई प्लेनों में जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, कई प्लेन यानी कि कई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो उस वेव को, उस अनपोलराइज्ड लाइट को हम कैसे पोलराइज्ड करें, तो पोलराइज्ड लाइट जो है हम उसको नेचुरली प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑप्टिकल एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो वी कैन ट्रांसफॉर्म अनपोलराइज्ड लाइट टू पोलराइज्ड लाइट बाय यूजिंग द ऑप्टिकल एलिमेंट्स और ऑप्टिकल डिवाइसेस, ओके। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अनपोलराइज्ड लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट इज पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना,
ये प्रोसेस जो है आपकी क्या है, पोलराइजेशन. ओके, एंड पोलराइज लाइट इज द लाइट दैट कंटेन्स वेव्स दैट ओनली फ्लक्चुएट इन वन स्पेसिफिक प्लेन. तो पोलराइज लाइट क्या हुई, क्योंकि अनपोलराइज लाइट क्या है, जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा कई प्लेनों में, ठीक है. तो पोलराइज लाइट में क्या अंतर है, पोलराइज लाइट कैसे डिफरेंट है अनपोलराइज लाइट से. पोलराइज लाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक डायरेक्शन में ही ऑसिलेट करेगा, ठीक है. या हम कह सकते हैं कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका ऑसिलेट कर रहा है, लाइट का ही तो कर रहा है. जैसे हम कह रहे हैं कि लाइट ट्रांसवर्स वेव है, तो उसमें हमने कहा कि जब हम पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं तो हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की ही बात करेंगे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो ऑसिलेट कर रहा है कई प्लेनों में अनपोलराइज लाइट में. तो अगर वो एक ही प्लेन में ऑसिलेट करने लगे तो तब हम कहेंगे कि पोलराइज जो लाइट है वो अब कैसी है, पोलराइज लाइट है. ओके, तो पोलराइज लाइट इज द लाइट दैट कंटेन्स वेव्स दैट ओनली फ्लक्चुएट इन वन स्पेसिफिक प्लेन. ओके, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर दिस इज द अनपोलराइज लाइट. ओके, यहाँ पे देखेंगे हम, ये पोलराइज लाइट है. यहाँ पर देखोगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो है वो एक्स वाई प्लेन है. तो एक्स वाई प्लेन में अगर ऑसिलेट कर रही है जो वेव है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स वाई प्लेन में ही ऑसिलेट कर रहा है, तो हमारा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो है वो कॉन्स्टेंट है, एक ही प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, ठीक है. तो तब हम कहेंगे कि लाइट जो है वो क्या है, पोलराइज है. ओके, अच्छा, अनपोलराइज लाइट ये जो है ये क्या शो कर रहा है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल लाइट, कि ये जो है कई प्लेन्स को शो कर रहा है, ठीक है. ये जो है कई प्लेन्स को शो कर रहा है कि लाइट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस वाले में भी ऑसिलेट कर रहा है, इस वाले में भी ऑसिलेट कर रहा है, इस प्लेन में भी ऑसिलेट कर रहा है, इस प्लेन में भी ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है. तो ये जो क्या कर रहा है, ये क्या है, एक अनपोलराइज लाइट को शो कर रहा है, ठीक है. और ये वाला जो डायग्राम है ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिख रहा है वाई डायरेक्शन में भी और जेड डायरेक्शन में. ये भी क्या है, अनपोलराइज लाइट है, क्योंकि जो प्लेन है ये एक तो ये वाला होगा, यानी कि वाई एक्स वाला प्लेन होगा, एक जेड एक्स वाला प्लेन, तो दोनों डायरेक्शन में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है. तो ये भी अनपोलराइज लाइट है. तो अनपोलराइज लाइट इज व्यूड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनकोहरेंट वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली पोलराइज वेव्स. अनपोलराइज वेव को हम इस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर कि कॉम्बिनेशन ऑफ इनकोहरेंट वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली पोलराइज वेव. हम इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं कि जैसे कि रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है ऑप्टिकल वैक्टर्स का और एम्पलीट्यूड ऑफ दी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वैक्टर्स, उनको हम अगर इक्वल ले लें तो टू कंपोनेंट्स जो हैं वो इनकोहरेंट हो जाएंगे, ठीक है. सो इट हैव अ रैंडमली चेंजिंग फेज डिफरेंस. ओके, सो फॉर दिस द अनपोलराइज्ड लाइट इज पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेड हेयर बाय टू इलेक्ट्रिक वेक्टर्स ई वाई एंड ई जेड, ठीक है. तो अनपोलराइज एंड पोलराइज लाइट ये थी, और कल उसमें हम थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लेंगे कि क्या है डिफरेंस. तो आज के लिए इतना ही, इसको पढ़ो आप लोग.